संजू सैमसन की ब्यूटी है कि जब बैट इनका चलता है और फ्लो में चलता है तो ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है बल्लेबाजी करना। बड़े यार ये भी तो था ना कि वो पहले दो मैच में जल्दी भी था आउट हुआ था, आज दिन भी था, पहले बटलर और जायसवाल बना रहे थे, आज वो जल्दी आउट हुआ था, संजू सैमसन ने जिम्मेवारी ली और क्लीन हिटिंग की है, आड़े हाथ लिया आज राशिद खान को। सही बात है, आड़े हाथ रन गए बिल्कुल, आड़े हाथ लिया, 13th ओवर वहीं चेंज हुआ। हम लोग ये भी बोल रहे थे कि जोसेफ बहुत तेज डालते हैं, उनको भी आड़े हाथ लिया है आज, तो थोड़ा आईना दिखाया है गुजरात के गेंदबाजों को कि आप जो मर्जी कह ले, तेज हैं, स्विंग है, सब कुछ है, लेकिन जब हम मारने पे आएंगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी कम नहीं है। कमाल की क्लीन हिटिंग की है बैट, ऐसी बैटिंग कर सकते हैं ना और दूसरे तीसरे मैच में संजू सैमसन, तो इवन जब वो आउट हो गए तो भी खराब लगा कि वो बॉल बाहर थी, दूर थी, जरूरत नहीं थी उसको मारने की, उस ओवर में ऑलरेडी एक छक्का चौका आ गया था, तो आराम से रोटेट कर लेते क्योंकि हिट मारे भी तो मारते हैं, सारी जिम्मेवारी ना लें कि मैं ही मारूं, मैं ही बनाऊं, तो कभी कभी अंत तक रहना भी अच्छी बात होती है, अगर अंत तक रहते तो शायद एक ओवर पहले भी खत्म कर देते, तो वो है कमाल की टिंकी संजू सैमसन, देखकर बड़ा मजा आया। बट ये ना हो ना कि ये वन ऑफ द इनिंग हो इस सीजन की, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि और देनी पड़ेगी अगर फिर टाइटल तक पहुंचना है, जीतना है, ट्रॉफी उठानी है, तो फिर ऐसी इनिंग है और देनी पड़ेगी। और कुछ सीजन ऐसे रहे हैं उनके, कुछ सीजन ऐसे रहे हैं उनके पीछे आईपीएल में, जब से खेल रहे हैं ऐसी ही सीजन रहे हैं, कि एक इनिंग यादगार खेल बहुत जबरदस्त करते हैं, फिर उसके बाद एक अकाल सा पड़ जाता है। तो आज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, और ये उस तरीके के बैट्समैन है कि अगर शुरुआत में थोड़ी सी पिच में मूवमेंट हो रही थी, थोड़े से बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, कोई बात नहीं, उन्होंने समय ले लिया, चाहे पावर प्ले में जिस तरीके से भी निकलने दिया, बट एक बार जब ऐसे तरीके का बैट्समैन को ये पता होता है कि मैं बाद में कभी भी कैचअप कर लूंगा इस चीज को, तो फिर आप देख लीजिए किस तरीके के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने फिर ये फिनिश किया अपना।